सदाबहार हीरो देवानंद के जन्म शताब्दी के मौके पर एक फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके तहत देवानंद की चार मशहूर फिल्में जैसे कि CID, जॉनी मेरा नाम, ज्वेलतीफ और गाइड दिखाई जाएंगी। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के अध्यक्ष शिवेंद्र डूंगरपुर, जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है इस फिल्म महोत्सव के आयोजन में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 26 सितंबर को देवानंद 100 साल के हो जाएंगे और इस खास मौके पर आप लोगों ने वीकेंड पर उनकी चार फिल्में दिखाने का प्रबंध किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या वो बात थी जिसकी वजह से आप लोगों ने इस महोत्सव का आयोजन किया है? देखिए, जब हमने बच्चन बैक टू द बिगनिंग किया था, बच्चन साहब की फिल्मों को लाए थे, और उसके बाद यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब का हमने हीरो ऑफ हीरोज़ किया था, तो हमारा मकसद, फाउंडेशन का मकसद ये है कि कैसे हम पुरानी फिल्में और ये जो जितने लेजेंड्स हैं, कैसे हम लोगों को एक मौका दें ताकि वो अपने घर के पास जो भी PVR है और आइनॉक्स है वहाँ जा के ये फिल्मों को देख पाए। तो हमने चार फिल्मों का चुना और आपने देखा है कि यहाँ भी आज कितना भीड़ था, कितने लोग आए थे, और मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ जहाँ शहरों में, जिस छोटे से बड़े शहरों में जहाँ जहाँ हमने ये फिल्में दिखाने की कोशिश की है, वहाँ पर ये हाउसफुल का ही माहौल चल रहा है। लगभग 30 शहरों में 40 के करीब, 40 और 80 सिनेमाज में, अब और कुछ सिंगल शहर और 80 सिनेमा और कुछ सिंगल स्क्रीन्स भी हैं, और इस तरह का माहौल बना है, एक तरह से फेस्टिवल, और होना भी चाहिए एक लेजेंड के ऊपर। आप देख सकते हैं कि जैकी श्रॉफ जी और वहीदा जी खुद आई, और ये माहौल इसलिए है क्योंकि देव साहब में एक तरह से एक उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, वो इतने अच्छे इंसान भी थे, इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी उनका जो फैशन स्टाइल था, उनका जो परफॉर्मेंस था, और जिस तरह से फिल्में बनाई, और उनकी फिल्मों की म्यूज़िक है, अगर आप म्यूज़िक देखेंगे, गाइड, जूल थीफ, CID, जॉनी मेरा नाम और कई ऐसी फिल्में, तो आज भी वो फिल्में आप सोच सकते हैं यंग ऑडियंस को भी, बिल्कुल आज के पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि उन्होंने किस तरह की फिल्में और कितनी बढ़िया उमदा फिल्मों में काम किया है। और ख़ास बात ये थी कि वहीदा रहमान, जिन्होंने CID से उनके साथ बतौर हीरोइन की शुरुआत की थी, वो यहाँ मौजूद थी। जैकी श्रॉफ, जिन्होंने स्वामी दादा से शुरुआत की थी छोटे से रोल के साथ, वो भी यहाँ मौजूद थे और बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। ये खास प्रबंध आपने किया आपकी तरफ से जी। देखिए, वहीदा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 फिल्में साथ में कर चुकी हैं देव साहब से, और जैकी श्रॉफ और मिंक आई, डायरेक्टर राजीव राय आए जिनके पिताजी ने जॉनी मेरा नाम प्रोड्यूसर, और श्रीराम राघवन आए जो बहुत ही ज़्यादा जॉनी मेरा नाम से प्रभावित हैं, जॉनी गद्दार बनाई थी उन्होंने, तो मेरे ख्याल से और कई और सिनेमा हॉल्स में कई लोग जा रहे हैं देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये फिल्में, हालाँकि कुछ CID 70 साल पहले पुरानी फिल्म है, कुछ फिल्में 60 साल, 50 साल, लेकिन आज भी ये फिल्म अगर आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये कितना कंटेम्प्रेरी है, क्या अचीव किया था इन मास्टरों ने, और स्टोरी टेलिंग 70 साल पहले इतना सिनेमैटिक, इतना बड़ा सिनेमैटिक, भीड़ देखा आपने, आज इतने लोग आए इस 60-70 साल पुरानी फिल्मों को देखने के लिए, आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल बहुत ही एक जोश भरा माहौल था, और ऐसा लग नहीं रहा था कि ये 60-70 साल पुरानी फिल्मों का महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। ABP न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कोशिश करता हूँ और मैं आशा भी रखता हूँ आप सबसे कि आप लोग का सपोर्ट रहे, हम जल्दी और भी फिल्में लेते आएंगे, और हमारा जो एक बहुत बड़ा जो फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा वो है कि हम जितने अपने महान कलाकार हैं छोटे से बड़े लेकर, हम उनकी फिल्में वापस जिस माहौल में ये उस वक्त रिलीज हुई थी, हम वापस इनको उसी प्रशंसा से और उसी प्यार और मोहब्बत से देख पाए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपका जो मकसद है उस मकसद में आप कामयाब हो, हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई।